जिला नगर योजना कार पंचकुला द्वारा सोमवार को पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया के गांव लहरोंडी में 9 एकड़ व गांव मड़ावाला में 5 एकड़ में पनप रही अनाधिकृत कॉलोनियों में 7 डीपीसी 400 मीटर सीवरेज लाइन 500 मीटर इंटरलॉक टाइल सड़क व एक टाइल बनाने की फैक्ट्री को ध्वस्त किया और इसके अलावा गांव पपलोहा में एक शोरूम को भी तोड़ दिया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजना कार पंचकुला जयदीप व जितेंद्र गिल नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजना कार के कनिष्ठ अभियंता दीपक व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगों द्वारा तोड़फोड़ का विरोध भी किया गया लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी। जानकारी देते हुए जिला नगर योजना कार जयदीप ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों व अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ अर्बन एरिया एक्ट 1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र 1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र 1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है। अतः जनता से पुनः अनुरोध किया जाता है कि विभाग से CLU लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई कॉलोनियों में मकान या दुकान ना लें ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद ना हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। उन्होंने यह भी बताया कि अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन की डेडलाइन 14 जुलाई 2023 कर दी है। डेवलपर, प्रॉपर्टी डीलर या संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी एप्लीकेशन जिला नगर योजना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट tcphariana.gov.in पर भी उपलब्ध है।